For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum. मैं डॉक्टर मिस्बा मलिक हूँ और मैं गायनोकोलॉजी और ऑप्स की फील्ड में पिछले 25 साल से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ और इस स्पेशलिटी में मैंने एमसीपीएस और एफसीपीएस किया हुआ है और एस्थेटिक गायनोकोलॉजी में यूएस बेस्ड फेलोशिप है मेरे पास. जितने भी गायनी और ऑप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हैं जैसे नॉर्मल डिलीवरीज, सिजेरियंस, अगर मिसकैरेज हो जाए तो उनको दवाइयों से डील करना, डीएनसी से डील करना, लेज़र सर्जरीज जो कि हमारी ज़ुबान में लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, लेप्रोस्कोपी के ज़रिए पीसीओ को डील करना, दवाइयों से पॉलीसिस्टिक ओवरीज को डील करना, लेज़र के थ्रू ओवेरियन सिस्ट्स को रिमूव करना, इसी के थ्रू यूट्रस को रिमूव करना जिसको हिस्टरेक्टमीज बोलते हैं, ये सारी सर्जरीज जो है वो मैं अपने सेटअप में करती हूँ. इसके अलावा जो एक नई चीज़ है, जो हमारे लिए एक नई चीज़ है, दुनिया में तो बहुत आम हो चुकी है, जिसको एस्थेटिक गायनी कहते हैं, जो औरतों में एज के साथ हर बच्चे की पैदाइश के बाद और वीकनेस और ख़ुराक सही ना कर खाने की वजह से जो बॉडी में चेंजेस आती हैं उनको दोबारा बैक जाने के लिए जो हम लेज़र्स करते हैं, जैसे फेस के लेज़र्स शुरू हुए हैं कि चेहरे के रिंकल्स ख़त्म हो जाएं, इसी तरह ये औरतों के जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए लेज़र्स हैं ताकि उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो है वो पहले की तरह यंग औरत की तरह स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो. ये लेज़र्स और ये एस्थेटिक गायनोकोलॉजी, दैट इज़ ऑल्सो माई स्पेशलिटी दैट आई हैव डन फ्राम US. जैसा कि मैंने आपको बताया कि गायनी और ऑप्स में मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन प्रोसीजर जो है वो सी सेक्शन है या सिजेरियन सेक्शन है. सी सेक्शन एक हामला औरत के बच्चा पैदा करने का वो तरीका है जो हम ऑपरेशन के ज़रिए करते हैं. इसमें कट लगाकर बेहोशी के थ्रू बेबी को निकाला जाता है और ये उन मरीज़ों में करना पड़ता है जिसमें किसी भी वजह से नॉर्मल डिलीवरी से बेबी डिलीवर नहीं हो सकता. अब उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसमें एक वजह यह है कि अगर नवे महीने में बच्चे की पोजीशन सीधी ना हो, बच्चा उल्टा हो या टेढ़ा हो. दूसरी वजह यह है कि औरत की ऑल या प्लेसेंटा वो नीचे हो, क्योंकि अगर उसमें हम नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करेंगे तो उतनी ब्लीडिंग होगी जिसमें माँ और बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा है. इसी तरह अगर ऐसी ट्विन प्रेगनेंसी हो जिसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं हैं, पहला बच्चा टेढ़ा है या दोनों बच्चे टेढ़े हैं या दोनों का वेट बहुत ज़्यादा है, इन दैट केस भी हमें ऑपरेशन की तरफ रुझान होता है गायनोकोलॉजिस्ट का. इसी तरह अगर औरत का ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो या शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो या कोई ऐसी बीमारी जो हमारे बस में नहीं आ रही है, उस केस में भी हम औरत को लेबर पेंस का स्ट्रेस देने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें औरत की जान को भी ख़तरा है और बच्चे की जान को भी ख़तरा है. इसी तरह कुछ औरतें अपनी बाय चॉइस भी वो नॉर्मल डिलीवरीज नहीं कराना चाहती, इन दैट केस भी सिजेरियन सेक्शन इज़ वेरी मच सेफ प्रोसीजर टू डू. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें नहीं पता चलती कि इस औरत का ऑपरेशन होगा. जब खातून 9 महीने हम गायनोकोलॉजिस्ट कहते रहते हैं सब ठीक है सब ठीक है, लेकिन जब वो पेंस के साथ हमारे पास आती हैं तो एन लेबर के वक्त बच्चा पेट में मोशन कर दे या उसके दिल की धड़कन ख़राब हो जाए या पेंस के बावजूद प्रोग्रेस ना हो, बच्चेदानी का मुँह ना खुले या बेबी नीचे ना आए, ये वो वजूहत हैं जिनका एन वक्त पर डिसीजन करना पड़ जाता है कि नहीं जी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा. लेकिन इसका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई गायनोकोलॉजिस्ट पेशेंट गोई नहीं कर सकता कि ऐसा होगा. इसीलिए ये वो वजूहत हैं जिस पर हर गायनोकोलॉजिस्ट का फ़र्ज़ है कि वो अपने मरीज़ को ये ना कहे कि आपका होने ही नॉर्मल डिलीवरी है, हमेशा चांसेस बताने चाहिए, क्योंकि कुछ वजूहत की बिना पर एन वक्त पे जिसका पहले पता चलना ज़रूरी है आपको ऑपरेशन करना पड़ जाता है. सिमिलरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरत की हड्डी चेक करना बहुत ज़रूरी है. अगर हमें लगे कि उसकी हड्डी शॉर्ट है, यहाँ से बेबी नहीं निकल सकता, तो उस मरीज़ को भी फिर हम काउंसलिंग करते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती. ये चंद वजूहत हैं जी जिनकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी, जो कि बहरहाल एक बहुत बेहतर तरीका है, जो कि प्रेफर होना चाहिए, जिसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद बास लोगों में सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा सेफ़ है, ज़्यादा बेहतर है और उन्हें नॉर्मल डिलीवरीज की निस्बत सिजेरियन सेक्शन को ही प्रेफर करना चाहिए. सिजेरियन सेक्शन जो है ये इससे रिलेटेड हमारे माशरे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं लोगों के जहनों में, उनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है.
पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि जब आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, 9 महीने दिखाएं, आप उस गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं जिस पर आपको 100% ट्रस्ट हो। अगर आपको लगे अगर ये कि हमें सीजेरियन सेक्शन ये रेकमेंड कर रही है या कर रहा है तो कोई जेन्युइन रीज़न होगी। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर आप जहन में 100-100 गलत फहमियाँ लाएंगे और वो साइकोलॉजिकली ही आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। जब आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा जो सीजेरियन सेक्शन हुआ है ये मेरी बेहतरी के लिए हुआ है, अगर मेरे में नॉर्मल डिलीवरीज होती मुझे या बच्चे को नुकसान पहुंचता तो बिलीव करें आपको कोई मसला हो गई नहीं। सेकंड मसला ये है कि पेशेंट्स को लगता है सीजेरियन सेक्शन के बाद जी मोटापा हो जाता है। मुझे कोई समझा दे कि सीजेरियन सेक्शन का मोटापे से क्या ताल्लुक है। जी मोटापा चर्बी है, चर्बी बनती है ज़्यादा खाने से, लैक ऑफ एक्टिविटी से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, चंद मरीज़ों में हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से। एक ऑपरेशन जो कि पेट पे किया गया है, बच्चा दानी से बेबी निकाल के उसको क्लोज कर दिया गया है, उससे चर्बी कैसे बनेगी ये ज़रा बैठ के सोचिए आप कि सर्जरी सेक्शन से कोई कैसे मोटा हो सकता है। इसी तरह दूसरा मिच ये है कि सर्जरी सेक्शन में जो बेहोशी मिलती है उससे हमें बाद में कमर में दर्दें शुरू हो गई, कमर में टीका लगा, वो कमर की दर्द लेके बैठ गई। उसका जवाब ये है जी कि 90% औरतों को वैसे ही बैकएक होती है। अब जिनका सिजेरियन होता है उनको बैकएक हो तो वो ब्लेम सिजेरियन को या उसमें होने वाली बेहोशी को दे देते हैं। उस केस में मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपकी सोच है कि स्पाइनल कॉर्ड में बेहोशी देने से बाद में पेन होती है, तो अपने डॉक्टर से कहें जी हमें वो बेहोशी दें ही ना। इसलिए नहीं कि उसे बैकएक होती है, इसलिए कि कम अज़ कम आप साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड रहें कि मेरी कमर में टीका नहीं लगा। और अगर लग भी जाए तो ये याद रखिए एनेस्थेटिस्ट जो कि एनेस्थीसिया लगाते हैं उन्होंने पूरा एक रिसर्च करके बात क्लेम की है कि एक मच्छर के डंग के बराबर की सुई कमर में लगाने से बैकएक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह कुछ मिथ्स ऐसे हैं कि सिजेरियन कर देंगे तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है, आईसाइट वीक हो जाती है, दिल कमज़ोर हो जाता है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात पे इफ़ेक्ट हो जाता है, बाद में पीरियड्स ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है जी, बिल्कुल सिजेरियन सेक्शन का इन तमाम बातों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर बाई चांस सिजेरियन के बाद ऐसा हो जाए और हम साइकोलॉजिकली उसको सिजेरियन से रिलेट कर दें तो ये और बात है, वरना सिजेरियन सेक्शन से ये सारे मसाइल बिल्कुल भी नहीं होते। सिजेरियन सेक्शन एक तरीका है जी जिस जो कि नॉर्मल डिलीवरी की बजाय किसी भी वजह के बिना पर ऑपरेशन करके बेबी को निकालने का नाम है। इसमें मरीज़ को बेहोशी देके चाहे वो कमर के थ्रू की जाए चाहे वो मुकम्मल बेहोशी की जाए, मरीज़ को बहुत ही बेहतरीन स्टरलाइज तरीके से ताकि वो इन्फेक्शन से बच जाए, पेट के निचले हिस्से में तकरीबन 4 to 5 centimeters हार्डली एक इंसीजन दिया जाता है और उसके बाद उसके नीचे फैट की लेयर और मुख्तलिफ 3-4 पेट की लेयर्स होती हैं उनको कट लगा के हम बच्चादानी तक पहुंच जाते हैं। बच्चादानी पे पहुंच के हम उस पर भी इतना ही एक इंसिजन देते हैं जिसमें से बेबी निकल सके और फिर हम यूट्रस के उस कट में हाथ डालकर उस बच्चे को हम अपने हाथों से वहाँ से निकालते हैं। बच्चे को निकालने के बाद हम उसकी प्लेसेंटा निकालते हैं, अंदर से यूट्रस को क्लीन करते हैं और फिर जहाँ जहाँ हमने यूट्रस में कट लगाए और उसके बाद जो ऊपर हमने लेयर्स में कट लगाए उनको हम उसी तरह ही सी देते हैं जैसे कि वो पहले थे। और ये सारा सीने के बाद आखिर में हम स्किन को क्लोज कर देते हैं और उसके बाद मरीज़ को हम बेहोशी से आउट कर देते हैं। उसके बाद 2 दिन या 3 दिन मरीज़ को हॉस्पिटल में रखा जाता है ताकि उसको एंटीबायोटिक्स रखें, उसको पेन रिलीफ किया जाए। उसके बाद मरीज़ हंसता अपने घर जाता है जी, 8वें दिन आता है और स्टिचेस बाहर निकलवाता है और एज़ नॉर्मल एज़ एनीथिंग मे बी। खुदा रहा इससे रिलेटेड ये ज़रूर कोशिश करें कि आपका ऑपरेशन तब ना हो जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, ऐसी आपके साथ मिसमैनेजमेंट ना हो जाए, आपका ऐसे जगह वास्ता ना पड़ जाए जहाँ पर आपके साथ ये ज़्यादती हो कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी और सिजेरियन कर दिया गया। लेकिन जहाँ पर इंडिकेटेड है, जहाँ पर सिजेरियन बनता है, वहाँ सिजेरियन करवाने से बिल्कुल ना घबराइए। सिजेरियन सेक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया एक ऑपरेशन है जिसके थ्रू बेबी को हम डिलीवर करते हैं और ये फैसला करना गायनोकोलॉजिस्ट का काम है कि किसी पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर आपको ये मालूम हो चुका है कि आपका सिजेरियन सेक्शन ही होगा किसी भी वजह से, पहले आपके 1 या 2 सिजेरियन सेक्शन हुए हुए हैं या बेबी की पोजीशन ठीक नहीं है या ऑल नीचे है
या आपकी हड्डी छोटी है, या आप बाई चॉइस सीजेरियन सेक्शन करवाना चाहती हैं, या आपको अनकंट्रोल्ड कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या बेबी की ग्रोथ में कोई इफेक्ट है, वट एवर द रीज़न इज़, अगर आपको मालूम है अपने गायनोकोलॉजिस्ट के थ्रू कि आपका सीजेरियन ही होना है, तो उसके लिए आप ये बहुत अच्छा फोरम है और इससे आप बुकिंग करवाइए अपनी पसंद के गायनोकोलॉजिस्ट से और अपना प्रोसीजर सेफ और एक्सपर्ट हैंड से करवाइए. थैंक यू वेरी मच.